तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। कोविड सेफ तरीके से विधानसभा का आगामी सामान्य निर्वाचन कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आयोग का यह प्रयास है कि वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, महिलाओं, नए मतदाताओं सहित सभी मतदाताओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित हो। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। चुनाव आयोग इस बार मतदान के दौरान हर हाल में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराने की तैयारी में है। इसी दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो भी चुनावी रैलियां हो रही है वह कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। मतदान की तारीखों की घोषणा और आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद ही हमारी जिम्मेदारी शुरू होती है। तब तक यह जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। वह स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे। चुनाव रैलियों में कोरोना प्रोटोकॉल के उल्लंघन के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमने स्वास्थ्य सचिव और अन्य अधिकारियों के साथ चर्चा की है। चुनाव की घोषणा के बाद हम निश्चित रूप से विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेंगे। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों ने कहा है कि विधानसभा चुनाव कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार ही हो। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि मतदान का समय 1 घंटे तक बढ़ाया जाएगा। साथ ही चुनाव के दौरान फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं को टीके की दोनों डोज लगाई जाएगी। साथ ही निर्देश जारी किए गए हैं कि राज्य के हर मतदाता को टीके की कम से कम एक खुराक लगाई जाए। हालांकि मुख्य चुनाव आयुक्त ने बाद में NDTV से कहा कि अगर किसी को टीका नहीं लगाया गया तो किसी को भी मतदान करने से नहीं रोका जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि यूपी के अधिकारियों ने हमें बताया कि 50% आबादी को पूरी तरह से टीका लगाया गया है और राज्य में अब तक केवल 4 ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। कोई कोविड की प्रॉब्लम नहीं है और अभी मैं यहाँ पर आने से पहले कमीशन ने हेल्थ सेक्रेटरी से भी बात की और मुख्य सचिव से भी बात की इसके बारे में। तो जो आज बताया गया हम लोगों को कि यहाँ पर 86% लोगों को यूपी में पहली डोज लग चुकी है वैक्सीनेशन की और 49% लोगों को सेकंड डोज भी लग चुकी है, यानी कि रफली 50% लोग यहां पर फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं। और ये भी हमें आश्वासन दिया गया है कि 15-20 दिन के अंतर्गत सभी एलिजिबल लोगों को और जो यहां पर अवेलेबल हैं उनको पहली डोज सबको लग जाएगी। हम लोगों ने